नमस्कार साथियों, आज हम पत्ता गोभी की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे काफी मात्रा में पत्ता गोभी ली है। तो देख सकते हैं आप, दो बड़ी पत्ता गोभी ली है और पहले तो इनको धोया है। इनको धोना जरूरी है काटने से पहले, उसके बाद में इनको काटा है और उसके बाद में दोबारा इसको धो लिया, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह आती है तो इसको धोना जरूरी होता है। तो मैंने इसको धो लिया है। अब इसमें हम कौन कौन सी सामग्री यूज में लेंगे, देखिए। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, लगभग 2 चम्मच धनिया पाउडर, 8-10 कलियां ये लहसुन घी, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। अब ये सरसों का तेल लिया मैंने, इसमें इसको गर्म कर लिया है। इसमें जीरा भी डाल दिए हैं, थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, इसको गर्म कर लेंगे। और भी तो जीरा गर्म होने के बाद में जो हमारी पत्ता गोभी है उसको सीधा डालेंगे इसमें। स्पेशल तरीके से बना रहे हैं हम इसको। अब इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, लहसुन भी सीधे डाल दिए मैंने। अब इसमें पानी डालेंगे, अब इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट में हमारी रेसिपी बनेगी। इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। आप चाहो तो इसमें छाछ का भी यूज कर सकते हो साथियों। छाछ से जो पत्ता गोभी की सब्जी होती है काफी स्वादिष्ट बनती है। ये ऑप्शनल है, छाछ या दही जो भी आपको अच्छा लगे। तो साथियों, ये हमारी पत्ता गोभी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। देख सकते हैं आप, अभी भी गर्मा गर्म है, उबल रही है और ऑलमोस्ट ये उबल गई है, अभी खाने लायक है। ये रेसिपी हमारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। धन्यवाद साथियों।